जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों इस वीडियो में चार अपडेट्स कवर करने जा रहा हूं, जहां दोस्तों टॉप गन मैवरिक की बात करेंगे, एक विलन रिटर्न्स की बात करेंगे, शी हल्क की बात करेंगे और मां मूवी की बात करेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में दोस्तों काफी ज्यादा सवाल कल से आ रहे हैं, जब से मैंने अपने वीडियो को रिलीज किया है और कल से जब से नई न्यूज निकल के आई है दोस्तों टॉप गन मैवरिक को लेके। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा सुनना, कहीं भी स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। इसके अलावा दोस्तों और अपडेट्स पे भी काम कर रहा हूं, जो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज टॉप गन मैवरिक मूवी की। दोस्तों टॉप गन मैवरिक मूवी का इंतजार काफी ज्यादा लोगों को था और मैं कम से कम अपने पिछले 7-8 वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसकी रिलीज डेट जो है वो 23 अगस्त या 24 अगस्त होने वाली है। और दोस्तों अब उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इसकी हिंदी रिलीज होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अब इसकी हिंदी रिलीज कंफर्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब आपको टॉप गन मैवरिक जो है वो 23 अगस्त को हिंदी में भी देखने को मिलेगी। इसे BMS स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और इसको प्री बुक पे ऑलरेडी BMS की ऐप पर डाल दिया गया है, तो अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो अब वहां पर आपको हिंदी में भी इसे लिस्ट कर दिया हुआ नजर आ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों फिलहाल इस मूवी का एक प्रिंट मार्केट में घूम रहा है, वो इसका ओरिजिनल प्रिंट है, वो US के VOD से क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके चाइनीज सबटाइटल्स हैं, यानी कि वो लीक हुआ हुआ प्रिंट है, वो ओरिजिनल प्रिंट नहीं है, क्योंकि इसका जो VOD रिलीज है वो भी दोस्तों 23 अगस्त का US में, जब इसे इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा। जब BMS पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज होगी, वहीं US में इसे इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा। तो वो प्रिंट तो ठीक है लेकिन वो चाइनीज सबटाइटल्स के साथ है, इसका मतलब है वो लीक प्रिंट है। तो आप में से काफी सारे लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये रियल में रिलीज हो चुकी है, तो दोस्तों नहीं, अभी ये रियल में रिलीज नहीं हुई है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नॉर्थमैन मूवी की, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को नॉर्थमैन का एक अच्छा प्रिंट देखने को मिल गया और तब से नॉर्थमैन कब रिलीज होगी या किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोगों के मैसेज आने चालू हो गए। दोस्तों नॉर्थमैन अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं हुई है, इसका ब्लूरे प्रिंट मार्केट में रिलीज हो चुका है और जो प्रिंट आपको देखने को मिल रहा है वो VOD ब्लूरे प्रिंट है नॉर्थमैन का, वो किसी ऐप का प्रिंट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं माँ मूवी की। जब से मैंने कल आप लोगों को अपडेट दी है तो माँ के बारे में आप लोग को काफ़ी सारे सवाल हैं। तो दोस्तों माँ मूवी रिलीज होने जा रही है अब दोस्तों मलेशिया के बॉलीवन चैनल के ऊपर, और दोस्तों इसे 18 अगस्त की रात को 9 बजे TV प्रीमियर किया जाएगा, यानी उसके बाद आपको एक अच्छा खासा प्रिंट जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में ये किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होनी है इसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको याद होगा वार्निंग मूवी रिलीज हुई थी दोस्तों, तो वार्निंग मूवी जब रिलीज हुई थी तब इसे मलेशिया में रिलीज किया गया था, इसका अच्छा प्रिंट मार्केट में आ गया था, अब इस बात को 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन वार्निंग अभी तक किसी भी इंडिया की अच्छी सही OTT प्लेटफॉर्म पे आपको रिलीज होते हुए नहीं दिखी है। तो मुझे लग रहा है माँ का भी सेम सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि ओवरसीज राइट शायद थोड़े महंगे बिक जाते हैं, इसलिए गिप्पी गरेवाल अपनी मूवी को मलेशिया के बॉलीवुड चैनल को भी जो है सेल कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शी हल्क की, जिसका वेट आप में से आज काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज जो है ये 17 अगस्त को रिलीज़ नहीं होनी है, ये सीरीज 18 अगस्त को रिलीज़ होनी है, तो आज ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कि रिलीज़ टाइम क्या है, दोस्तों आज शी हल्क सीरीज़ रिलीज़ नहीं होगी, शी हल्क सीरीज़ कल रिलीज़ होगी 18 अगस्त को, इसकी डेट चेंज हो चुकी है और 18 अगस्त की आफ्टरनून 12:30 PM इंडिया टाइम, यानी दोपहर के 12:30 बजे आपको देखने को मिलेगी। 15-20 मिनट इधर उधर हो सकते हैं सर्वर इश्यूज की वजह से, लेकिन कल आपको ये दोपहर को देखने को मिलेगी दोस्तों शी हल्क। और शी हल्क के टोटल 9 एपिसोड होंगे और हर थर्सडे को एक एपिसोड को रिलीज किया जाएगा और हर एक एपिसोड की लेंथ 50-55 मिनट्स के आसपास की होगी। तो दोस्तों शी हल्क अब कवर कर लिया, अब आपको बताता हूँ कि एक विलन रिटर्न्स की आजकल क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों एक विलन रिटर्न्स मूवी जो सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है और अच्छा खासा इसने फ्लॉप हुई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया और अब इसको बॉयकॉट किए बिना भी लोग हंस रहे हैं इस मूवी पे कि इसने ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। और ऐसे टाइम पे दोस्तों नेटफ्लिक्स जो इसका स्ट्रीमिंग पार्टनर है उसके आजकल एक अपडेट निकल के आ रही है, अगर मीडिया हाउसेस के माने तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के बीच में आजकल एक डीलिंग चल रही है, जिसमें हो सकता है इसके राइट्स को अमेज़न प्राइम को सेल कर दिया जाए और अमेज़न प्राइम फिर से 27 अगस्त को VOD पे रिलीज़ करे, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड पे हो सकता है अमेज़न प्राइम इसे नेटफ्लिक्स से लेने के बाद रिलीज़ करे। अभी तक इसका मीडिया में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, प्लीज़ नोट ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न के बीच में ये शिफ्ट हो सकता है इसका OTT प्लेटफॉर्म और हो सकता है कि ये अमेज़न प्राइम पे 27 अगस्त को एज ए VOD रिलीज़ हो। कन्फर्मेशन नहीं है इसलिए मेरी बात को कन्फर्म मत मानना, लेकिन ऐसी न्यूज़ इस टाइम पे मार्केट में है। तो दोस्तों 5 अपडेट मैंने आप ऐप के लिए कवर कर दिए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखोगे तो और अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।